साई राम, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यानी कि मेरे और आपके इस YouTube चैनल जिसका नाम है जिंदगी एक गुदगुदाहट। सो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ये वाला जो व्लॉग है ये हमारे एक कजन से रिलेटेड व्लॉग है और मेरी मासी के घर का व्लॉग है। जितनी बार भी मैं इसके बारे में बात करती हूँ मैं हम सब इमोशनल हो जाते हैं और इस चीज़ को ट्रस्ट करने के लिए अभी भी हम में से किसी में हिम्मत नहीं है कि ऐसा सब कुछ हो चुका है। बट रियली वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू नन्हे। एंड ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप ये वीडियो अब देखिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये हम सब की लाइफ का वो अनफॉरगेटेबल पार्ट है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। और इस वीडियो के दौरान मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारी बातें ऐसी करी हैं जो बिल्कुल सच हैं और जिसको हम साथ लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए तो आप ये वीडियो देखिए। तो जो क्लिप अभी आपने देखी वो मेरे मासी के घर का ही है। मेरे मासी ने अपने घर के एक पार्ट को नन्हे यानी कि अभिजय की मेमोरीज में कन्वर्ट किया हुआ है। उसकी सब चीज़ें वहाँ पर हैं। एवरी बिलोंगिंग, एवरी यू नो जो भी उसकी याद है। सो लोग अलग अलग जगहों से वहाँ विज़िट करने आते हैं। सो अगर आप भी जाना चाहें और कभी धर्मशाला घूमने जाएं, सो इनका घर जो है श्यामनगर में है और इनके नाम से ही लोग आपको उनके घर तक छोड़ाएंगे। सो बहुत प्राउड मोमेंट है। लेकिन हम में से कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का डिस्प्ले हमको कभी अपने किसी क्लोज के लिए करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम वी आर प्राउड कजन्स। और हिम्मत मासी की और अंकल की तो है ही। सो ये हम उनके घर लेट पहुँचे क्योंकि जैसे मैंने अपनी पहले वाली व्लॉग में भी बताया था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो मैं उनके घर का जो है बना नहीं पाई वीडियो अच्छे से क्योंकि वो घर बहुत खूबसूरत है। और एक्चुअली हम रात को पहुँचे, बारिश बहुत हो रही थी। सो जिस पार्ट को मैं कैप्चर करना चाह रही थी वो मैंने किया और आपने अभी देखा ही है। और इसके बाद हम बातें करते रहे और पुरानी बातों को याद करके रोते भी रहे और बहुत इमोशनल सी चीज़ें हो गई हैं। और आप देखिए ये व्लॉग अभी आगे। गोरखा रेजिमेंट का, उसके बाद बाप भी गोरखा रेजिमेंट का कर्नल था, कमांड पास आउट हो गया, अपने बाप की होटल में गया। ऐसे होता है, आर्मी में ऐसे होता है। वहां जाने के बाद उसके बाद उसने जो उसके बाप ने कमांड की उसने भी वही कमांड की। मेरा उधर से भी काल आया है और एनएचजी से भी काल आया है। पायलट कर ले, पायलट ठीक रहेगा। तो उसके बाद डेढ़ महीने बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। गुड। और दिन ये हुआ, ये हादसा हुआ उस दिन। तो एमओडी से मीटिंग में आया तो मैं तो जैसे आया मैं टीवी चला बिल्डिंग में क्रैश। पायलट
तो उन्होंने सबसे पहले नामी निकल लिया, बोला दे सम नेपाली ऑफिसर्स थापा अभी जे थापा, बोला हाँ मारा राइट नंबर दोबारा चेक कर लो, बोलते श्योर, बोला क्यों मंगाया मैं साला है उसने दोबारा बोला मैं लेट मी रिकन हूँ हम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर थापा थापा बोला दोबारा से ये दिन कॉल नहीं आया तो मैंने उसको फ़ोन किया मैं बोला यार मैं कुछ नहीं बोलना चाहता स्टेटमेंट भी चाहिए दैट वाज करेक्ट लेकिन नन्हे को मतलब बहुत मतलब वो भी बहुत अच्छे से यहाँ गोरखा रेजिमेंट थे गोरखा रेजिमेंट ले आना बहुत अच्छे से तुम तो खैर आए मैं तो आया था मतलब पापा झारण के पास मगर मैं बैच में उसको फिर एक बाद में तुम चल ठीक है तो उनके दीजिए भी ऐसे में चल रहा है बाद में बोले सर मेरा देख लेना आप यू आर इज कोर्स मेट बोलता जी हाँ हो जाएगा आगे हो जाए जिसकी जितनी लिखी होती है बस जितने दिन दिया तो इससे पता लग गया ना इतनी कम उम्र में बच्चा इतना कुछ करके चला जाता है जाना तो वही मुझे तो नहीं कर सकते इतना तो कोई भी नहीं कर सकता रादर ही मेड अस प्राउड इतना अच्छा नाम करके गए ना वो किसी से बोले तो आज देश में नाम है ना उसका आजकल के बच्चे देख कुछ नशा करके घूम रहा है कुछ करके घूम रहा है आज हम प्राउड के साथ बोल रहे हैं उसको तो रेस्ट ही नहीं मिला बस पढ़ाई के बाद से एकदम जमा गई वो पढ़ते पढ़ते चले जमा गई वो करना जब मेरे पास आया तो वो बोलता है मेरा तो इंटरव्यू है उसमें मैं बोला तू चलो उधर जनकपुरी में तेरे कोचिंग करा के लाता हूँ तो जनकपुर में लेके गए तो जनकपुर में 10 दिन तक करा फिर बोलता जी जनकपुर में छोड़ उसको लेके आया लेकर मेजर कलसी के पास फिर मैं बोलता है आर यू कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट तो नहीं है मैं हो जाएगा तो बोल दिया बोल के जा कि मेरा हो रहा है छोटे से लेकर बड़े होने तक कुछ हो जाए कुछ हो जाए कुछ हो जाए बाहर जाना तब भी पार्टी वार्टी घर में या छुट्टी आना तभी लड़के लोग दोस्त फ्रेंड कभी चले जाना बाहर कभी घर में ले आना वो खिलाना खिलाना गुस्सा तो देखा ही नहीं लड़की को तरह तो शर्माता था वो इतना इतना तो जाना तो नहीं हम तो यही बोलते रहते नन्ने इतना हैंडसम का ना है आंटी इसको तो लड़की तो पता नहीं क्या ही लानी पड़ेगी क्या ही लानी पड़ेगी है ना हम देखते रहते उसको क्या है रस दीदी क्या देख रहे थे कुछ नहीं अभी फोटो में ऐसे देखते रहे बहुत मतलब कमाल ही देखो हमें वी शुड नॉट रिग्रेट ही मेड अस प्राउड ये मैंने उसको दी थी एरोडी के पास दी है उसने ना कहीं जो दीपाली भी वो ये घर में राखी का वो कार्ड बोर्ड भेजती थी ना वो अभी तक पड़ा होगा उसके ये, बुक में हाँ ये वाली पवन से मेरे को मिली थी तो मैंने रोहिणी को दी उसको दी है ये वाली है सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस तो मुझे तो ये याद आती है जब मैं जब पैदा हुआ मैं छुट्टी आया था विश्वास करने की चलो बेटा वहाँ से टैक्सी वहाँ भी जब हुए थे बहुत बहुत उन्होंने बहुत सम्मान दिया मैं तो इसको रखते ही भूल गया था अच्छा मैं चश्मा देना सारी कहानी वाली थी होगी सारे जो सूर्य चक्कर मिला सब कुछ उसमें लिखा होगा हम तो आप तो 10 साल के बाद अपनी 10 साल के बाद हम तो भूल जाएंगे लेकिन तो अगले 500 साल तक चलेगी जब तक इन्हें नामी में हिस्ट्री रहेगी तो
हाँ आपको हमको कोई याद नहीं रखेगा है, आज आपको सुनीता के नाम से कोई जानता है, कोई मेजर अभिजय की मम्मी सब जानते हैं है? तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है। उस दिन आपको क्या लगा था, उस दिन आप सलूट कर रहे थे, वो आपको फोटो आ रही हमारे आंखों में जब उसको लेके आए हम, आप सलूट कर रहे थे उनको, उस टाइम तो नहीं रहे आप सलूट कर रहे थे ना, बाद में फिर फूटे आप हाँ। उस टाइम तो आपने प्राउडली सलूट किया, फिर हम जब वहाँ पे गए हाँ। सारे तो थे हम तो ये मोमेंट, किसी का बच्चा एक्सीडेंट होकर मरा के ना साइकिल मर के मरा बोलता है भगवान इसको उठा ले, उस दिन कितने आर्मी अफसर थे, कितने थे है? उसके बाद उसको सूर्य चक्र दिया गया, कितना प्राउड है वो। अब आप जम्मू गए वो प्राउड नहीं है सबके लिए अच्छा है, वो तो सारी जिंदगी रहेगा हमारे पास। आपने इतना बढ़िया बनाया, मैं तो सोचा भी नहीं था आपने इतना बढ़िया बनाया होगा। मैं अब अंकल से पूछा, बोलता वो चाहता था मैंने ऐसे घर बनाया, इतना बढ़िया घर बना रखा, बोलता वो चाहता था। एक पेरेंट्स का तो ये होता है ना कि बच्चों के लिए सब कुछ करे है, मुश्किल था इतना, बच्चा तो बच्चा ही है ना। देखो वो तो अभी भी जिंदा है, अब कहीं देख लो, आर्मी में देख लो या घर में देख लो, आपको लगता है कि कुछ हुआ होगा, नहीं लगता है? अभी उठ के चल पड़ेगा, थोड़ी सी कमी रह गई, बच्चा बच्चा हो जाता है तो ये रहता है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अभी बोला कि जितनी बार भी मैं इस बारे में बात करती हूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। सो यू नो राइटिंग ऑन दैट विजिटर बुक वॉज द हार्डेस्ट थिंग। और खैर लोग उनको हर साल इनवाइट करते हैं, यू नो हर साल उनको सम्मानित किया जाता है। अभी भी वो जैसे जम्मू गए थे तो डोगरा कम्युनिटी ने उनको अभिजय की यू नो उस पर सम्मान दिया था। एक्चुअली ये इंसिडेंट जो है 1 अक्टूबर 2014 को हुआ था, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे सो यू विल फाइंड आउट कि जो चीता हेलीकॉप्टर था उसको मेरा भाई पायलट था उस समय, एंड वो अपनी नॉर्मल सॉटी के लिए यू नो सुबह जब लोग अपना चेकिंग वगैरह के लिए जाते हैं। सो ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहती, इसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है गूगल पर अवेलेबल है। सो वो वहाँ गया हुआ था और यू नो वापसी में लौटते वक्त ही फाउंड आउट कि उसके चॉपर में प्रॉब्लम है। सो अपनी ATC से उसने बात करी एंड इन्फॉर्म्ड, एंड देन यू नो वापस लैंड सेफली वो करना चाह रहा था जो कि समहाउ वो कर भी सकता था, बट जब उसको लैंडिंग के लिए जगह जहाँ मिल रही तो वहाँ ऑलरेडी एक्चुअली एयरफोर्स स्टेशन ही था, तो वहाँ 400-500 लोग एकत्रित थे और कुछ इवेंट वहाँ चल रहा था, तो उनको सेव करने के लिए अगेन उसने थोड़ा सा आगे फ्लाई किया और सोचा कि थोड़ी और जगह कहीं जाकर मैं यू नो सेफली लैंड करूँगा और तीनों वो बच्चे बच जाएंगे। लेकिन आगे भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आगे गांव था और गांव में भी काफ़ी सारी पॉपुलेशन थी, तो यू नो लास्ट मोमेंट में बहुत हार्श डिसीजन उसने लिया और वो चॉपर क्रैश हो गया। और क्योंकि उस समय उसमें इतना यू नो बहुत सारी चीज़ें थी, दरवाजे नहीं खुलते थे और बहुत सारा ऐसा डिटेल्स अब नहीं जाना चाहते, बस वही है कि जो चीज़ें होनी होती हैं वो हो जाती हैं। और उसने यू नो बड़ी सूझबूझ के साथ डिसीजन लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई और तीनों वो बच्चे यू नो वीरगति को प्राप्त हुए। सो उसके इसी शौर्य को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेस ने उसे शौर्य चक्र भी प्रदान किया जिसका अभी क्लिप आपने देखा है। सो ये हमारे पूरी फैमिली में फर्स्ट ऐसा मेडल है जो मरणोपरांत मिला है। सो खुशी तो है लेकिन साथ साथ में यू नो दुख भी है कि अगर हम उसको ना हमेशा से, खासकर मैं उसको हमेशा से कहती थी कि तू बहुत हैंडसम है नन्हे और यू नो
उसको हम एडमायर करते थे बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत यू नो डाउन टू अर्थ और लाइफ को इन्जॉय करने वाले लोगों में से था. और अपनी छोटी सी लाइफ में ना उसने सब कुछ किया, एवरीथिंग. आई रिमेम्बर जब मैं उसको बोलती थी कि यू नो नने तुझे गोल्फ खेलना आता है, सो वो हमेशा यही कहता था हाँ दीदी ये ना अमीरों वाला गेम है, सो ये गेम खेल के ना बड़ा अमीर अमीर सा फील होता है. सो यू नो उसकी इनोसेंसी, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमेशा मेरे साथ रहती है. मेरे पास रहकर उसने अपनी स्टडी करी, इंटरव्यू की तैयारी करी. सो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं आपके साथ. जैसे अभी आपने सुना मेरे हस्बैंड ने कहा कि यू नो ये चीज़ें जो हैं हम लोग आज हैं तो याद कर रहे हैं, हमारे ना होने के बाद भी ये चीज़ जो है जो उसकी शौर्य गाथा है या जो उसका अचीवमेंट है वो आर्मी में 500 700 हज़ार साल जब तक आर्मी रहेगी, जब तक इंडियन आर्मी है तब तक इसको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा. सो मासी जो है वो बहुत प्राउड है, अंकल भी बहुत प्राउड है, और हम सब जितने भी लोग उससे कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स फैमिली, वो सब हमेशा यू नो प्राउड फील करेंगे. यस, दिल के किसी कोने में लगता है कि अगर ऐसा ना होता और उसको ये शौर्य चक्र मरणोपरांत ना मिलता और यू नो सेफली लैंड करने पर मिलता तो शायद बात कुछ और होती. लेकिन खैर विधाता की के विधान को हम बदल नहीं सकते, लेकिन दुख है पर खुशी भी है और बहुत प्राउड भी है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप जाना चाहते हैं तो उस जगह आप ज़रूर विज़िट करिएगा, धर्मशाला में श्याम नगर में है. और मेजर अभिजय थापा के नाम से आपको मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनके घर तक लोग आपको ड्रॉप कर देंगे. सो जाइए और देखिए कि यू नो एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से ज़िंदा रखती है यादों में. और बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे जीना है वैसे जिए. एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आपके द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे. राम राम.